जो है वो राइट की ओर चल रहा है। कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इस डायग्राम को देख के तुम क्या बोलोगे? इस डायग्राम को तुम देख के बोलोगे कि जो भी पर्सन है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस डायग्राम को जब देख के देखोगे तो हमें ये पता चल रहा है कि पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है। तो पर्सन चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट इट्स डायरेक्शन भी। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, अब मेरी क्या बन गई है? ये बन गई वेलोसिटी। तो हम डायग्राम को देख के बोलेंगे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे अगर इसी पर्सन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे? अल्फाबेट लेंगे, उसके ऊपर एरो का सिंबल क्या कर दो? प्लेस कर दो। साथ में अब क्या लिखना है? इसका मैग्नीट्यूड है यहां पे 20 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? आई कैप। तो अब तुम क्या बोलोगे कि पर्सन की वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म में है वो है 20 आई कैप। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड पे रेन ड्रॉप्स नीचे की ओर आ रहे हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड पे पानी गिर रहा है या बारिश हो रही है, और जो भी रेन ड्रॉप्स है वो कहां आ रहे हैं? नीचे की ओर आ रहे हैं। कितने से आ रहे हैं? 50 मीटर पर सेकेंड से। तो डायग्राम देख के हमें क्या पता चल रहा है? डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है कि पर्सन 50 मीटर पर रेन ड्रॉप्स जो हैं वो 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब मुझे अगर रेन ड्रॉप की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड 50, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। तो जो भी वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी हो जाएगी -50 जे कैप। क्लियर? तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं किसी वेक्टर को तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और साथ में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उसके डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, अब मान लो कई बार तुम देखोगे न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा गिवन होता है कि अ पार्टिकल इज मूविंग। मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग विथ एन एक्सलरेशन। एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इतना हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। तो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि अ पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ एन एक्सलरेशन -2 i कैप, और इसकी यूनिट क्या होगी? मान लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ एन एक्सलरेशन -2 i कैप, तो अब तुम्हें क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो भी पार्टिकल है उसका एक्सलरेशन कितना है? उसका एक्सलरेशन 2 है। किस डायरेक्शन में है? तो उसका डायरेक्शन होगा -i कैप। तो हम बोलेंगे, इस रिजल्ट को देख के हम बोलेंगे कि पार्टिकल का एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? ये है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो जब भी हम इस तरह से लिख देते हैं तो हमें फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी है किसकी? वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वहां पे बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर्स की। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि वेक्टर्स होते क्या हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है मेरा एरो ड्रॉ करना, या फिर दूसरा तरीका क्या है, किसी वेक्टर को हम लिखेंगे a(n) करके। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की, अब आगे हम बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स के बहुत सारे लॉज होते हैं। कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू वेक्टर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं। ध्यान रखना, वेक्टर को डिवाइड करने का कोई लॉ नहीं है। तो मेनली वैसे अगर देखोगे तो मैथ्स में बहुत सारे लॉज हो सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अगर देखेंगे तो फिजिक्स में हमें जिन लॉस की जरूरत पड़ती है हम केवल वही लॉस क्या कर रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम जिस लॉ की बात करते हैं वो कहलाता है लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर?
सबसे पहले हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एडिशन। अच्छा, जब हम लॉज ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो इस लॉ के थ्रू हम कर क्या रहे हैं, इस लॉ के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना है? तो देखो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे कई बार इस तरह से टर्म यूज करता है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द टोटल फोर्स, है ना, फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे पूछता है फाइंड आउट द टोटल फोर्स या टोटल एक्सेलरेशन, या फिर कई बार वर्ड ऐसा यूज करता है फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, या फिर कई बार ऐसा भी चेक करोगे वहां पे वर्ड यूज करता है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूछता है फाइंड आउट नेट एक्सेलरेशन, या फिर पूछता है फाइंड आउट नेट फोर्स। तो जब हम लॉज ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो इन लॉज के थ्रू हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन हमें कब मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना है? तो हमेशा हम इन वर्ड्स को चेक करेंगे जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे वर्ड अगर यूज कर रहा है टोटल, रिजल्टेंट या फिर नेट, तो इसका मतलब है कि वहां पे वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब जब हम वेक्टर के एडिशन की बात करते हैं तो वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके, दो मेथड दिए गए। एक जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर को ऐड करने की बात करते हैं, तो वहां पे दो मेथड दिए गए, एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो होता है एनालिटिकल मेथड। तो बेसिकली यही दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी हम सबसे पहले किस मेथड की बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मेथड की। अब क्यों हम इस मेथड को ज्योमेट्रिकल बोल रहे हैं? क्योंकि इस मेथड को जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पे ग्राफ पेपर की हमें क्या करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसा बोलें कि ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो मेथड वहां पर हम क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मेथड में भी यहां पर हम लॉ की बात करते हैं और यहां पे हम जो लॉ पढ़ते हैं वो कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड है, एक मेथड मैंने बोला ज्योमेट्रिकल मेथड है, दूसरा मेथड मैंने क्या बोला, एनालिटिकल मेथड है। जब ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करते हैं तो वहां पे अगेन हम एक लॉ की बात कर रहे हैं और ये लॉ क्या कहलाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या बोलता है, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मेरा क्या है, बी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं कभी लिखता हूं सिंपली ए, तो ये क्या बताता है, ये बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ बुक में ऐसा भी लिखा जाता है कि जो वेक्टर का सिंबल होता है उसके आगे मॉड का साइन लगा देते हैं, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ये दोनों तरीके से हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आओ, हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अब इनका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और दोनों ही वेक्टर यहां पे फोर्स हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, यहां पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स के साथ फोर्स ऐड होता है, मास के साथ मास ऐड होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मास के साथ वेलोसिटी ऐड होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो आगे हम डिस्कस करते हैं वहां पर, कि फोर्स अगर होगा तो फोर्स के साथ वहां पे क्या होगा, फोर्स ऐड होगा। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स को, एक का मैग्नीट्यूड मान लो 4 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन। अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये भी ध्यान रखना,
किस जब हम इस लॉ की बात कर रहे हैं तो ये लॉ के थ्रू हम केवल दो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है 4 न्यूटन का, दूसरा है 3 न्यूटन का, और इन दोनों को अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है 4 न्यूटन का, दूसरा है 3 न्यूटन का, हमें इन दोनों वेक्टरों क्या करना है, ऐड करना है। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ये ट्रायंगल लॉ बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो। अब मुझे ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करना है तो मुझे वहां पे क्या लेनी पड़ेगी, स्केल लेनी पड़ेगी या स्केल चूज करनी पड़ेगी। मान लो मैंने स्केल चूज करी कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के इक्विलेंट है। ये समझ में आ रहा है स्केल में क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल लॉ के थ्रू हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब इस मेथड को यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को हमें ग्राफ पेपर पे क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। और ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करना है तो हमें सभी वेक्टर को किस पे ड्रॉ करना है, स्केल पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उन दोनों वेक्टर्स को हम स्केल पे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये कितने का है, 4 न्यूटन का है, तो ये अगर वेक्टर 4 न्यूटन का है तो यहां पे मैंने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, साथ में क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये हो गया वेक्टर ए। अब अगले स्टेप में मैं ड्रॉ करूंगा दूसरा वेक्टर बी, जो दूसरा वेक्टर बी होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन, तो यहां पे मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन क्या करूंगा।